देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम पर मरीज से लाखों रुपए ठगने का आरोप। जितने में तय हुई थी बात, उसका दुगना रुपया लिया गया मगर सफलता नहीं लगी हाथ। मामला पूर्णिया के क्रिएशन फर्टिलिटी सेंटर का है, जहां काउंसलिंग के वक्त नगमा से मांगे गए थे पूरे इलाज के 1,10,000 और इलाज शुरू होते ही 2,00,000 तक हो गए खर्च और बच्चे का भी नहीं हुआ सफल परीक्षण। पीड़ित मरीज अवैध पैसे का विरोध करते हुए कर रहे हैं पैसे वापसी की मांग। जैसे हम जिस दिन आए तो हमको बताया गया, जैसे पेशेंट आया तो पेशेंट बोला इतना इतना खर्चा लग रहा है, ये ऑलमोस्ट ज़्यादा खर्चा आ रहा है। तो हम आए यहाँ, हम आकर के यहाँ बोले कि कौन है हमको उससे मिलाइए, तो मिलाया गया, सुधांशु जी थे उससे मिलाया। हम उसको बोले हमको बताइए, लिख के बताइए कि कितना खर्चा आ रहा है। तो अपना जो पेड होता है उस पर वो हमको लिख के बताया कि ये 50,000 करीब आपको इंजेक्शन में आएगा और 60,000 का हमारा फीस है, टोटल मिला के 1,10,000 आएगा और उसके बाद इसमें जो होगा जहाँ तक होगा लेस कर देंगे। इसके अलावा कोई किसी चार्जेस के बाद नहीं। और जब आपने पैसे पेमेंट कर दिए उसके बाद फिर कैसे चार्जेस लगे? उसके बाद जिस दिन पिकअप हुआ उसके बाद बोला कि दवाई में पैसा लगेगा 12,000। हमने ये क्यों लगेगा भाई, आप बोले हैं कि नहीं लगेगा, फिर पैसा क्यों लग रहा? तो नहीं, एक्स्ट्रा लगता ही है, आपको देना होगा। जब पेशेंट का जब वहाँ सीरियस हालत था तो हमको देना पड़ गया। उसके बावजूद भी फिर जितना जांच उच होने लगा सब में पैसा लगता रह गया। अच्छा, कुल कितने अब तक आपने दे दिए? ये लगभग 2,00,000 रुपये करीब। 2,00,000 रुपये सक्सेस भी नहीं मिला? नहीं, सक्सेस नहीं हुआ। तो आपको जो पेमेंट की बात हुई थी पहले, यानी जो भी डील तय हुआ था 1,10,000 का, क्या लिखित तौर पर हुआ था या मौखिक तौर पर हुआ था? वो ऐसे ही सादा पर्ची में लिख के बता दिए थे। लिख के बता दिया जो मतलब लगा। देखिए, फेलियर के बारे में मैंने आपको बताया कि पहला फेलियर हो सकता है, जो इम्प्लांटेशन की क्षमता अगर कम रहती है एंडोमेट्रियल वॉल की, तो चांसेस होता है फेलियर हो सकता है उसमें, ठीक है। वो दूसरा चीज़ ये भी कंट्रीब्यूट करता है, अगर ओबेसिटी है पेशेंट में तो भी उसकी वजह से फेल हो जाता है, जिसमें जो ओल्ड टिश्यूज होते हैं उसको रिप्लेस करके नए टिश्यू आए और इम्प्लांटेशन की क्षमता बढ़े, ठीक है। ये जनरल तरीका है, हर जगह आप बाहर भी देखोगे तो यही प्रोटोकॉल फॉलो होता है। अगर फेलियर हुआ है तो सेकेंड बार में स्क्रैचिंग करते हैं उनकी, या कोई और प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके फिर वापस से प्लानिंग की जाती है, ठीक है। इनकेस ओबेसिटी ही है तो ओबेसिटी पहले रिड्यूस किया जाता है उनका, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा ये है कि इनके केस में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि पेशेंट को हम लोग पेरेंटरल थेरेपी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनको सूट नहीं कर रहा था, वो एलर्जिक हो रही थी उससे, तो हमें बंद करना पड़ा। वो उनको हमें ओरल फॉर्म में दवाइयाँ देनी पड़ रही थी। हमारा जो बुक कहता है उसमें यही लिखा हुआ है कि पेरेंटरल जो थेरेपी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपका, ठीक है। ओरल थेरेपी से पेरेंटरल थेरेपी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। उसकी वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो उनमें, ठीक है। और जहाँ तक चार्जेस की बात है, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसका चार्जेस जो उनको स्पेसिफाई किया गया था उतना ही है। ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र का उससे थोड़ा चार्जेस ज़्यादा होता है, शायद से उन्होंने डिस्कस किया लोगों से तो उनको पता चला कि ब्लास्टोसिस्ट बोल के भी कुछ चीज़ होती है, तो उन्होंने उसके लिए प्लान किया। प्लस माइनस हम लोग 1,10,000 के अराउंड रखते हैं। उसके बाद जो चार्जेस रखे हैं, उनको जो इंजेक्शन दिया गया है वही सारी चीज़ें चार्जेस में ऐड की गई। उनका कहना है कि जब काउंसलिंग हुई थी उनकी और जब पैकेज की बात हुई थी तो 1,10,000 की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि चलिए 1,10,000 से लेकर 1,20,000 तक चलता है। बट वो उस वक्त काउंसलिंग के वक्त ये नहीं बताया गया था कि उसके बाद भी आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। उनका कहना है कि अब तक वो 2,00,000 रुपये दे चुके हैं और फेलियर भी हुआ है, ऐसे में वो परेशान है और आपके पास पहुँचे, तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस काउंसलिंग के टाइम क्या नहीं बताए जाते हैं? एक्स्ट्रा चार्जेस देखिए, जो भी इंजेक्शन का चार्जेस है वो उनको बताया जाता है, जो कंसल्टेंसी फीस होती है डॉक्टर्स की, जो आते हैं जो उनको देखते हैं, जो ट्रांसफर करते हैं, जो ओवम पिकअप करते हैं, उनका जो चार्जेस है उनको लगता है वो बताया जाता है उनको, ठीक है। बीच में हिस्टोस्कोपी की जो प्रोसीजर होती है उसके लिए वो लोग बाहर जाते हैं, वहाँ से हिस्टोस्कोपी करा कर आते हैं, उसका चार्जेस बाहर ही लगता है, ठीक है। वो सब एडअप होता है, शायद से वो एडअप होके उनका चार्जेस उतना बढ़ा हो, उसके हिसाब से उनको पैसे लगे। तो उनका कहना है कि ये सब चीज़ें उन्हें पहले नहीं बताई गई, जब उनका काउंसलिंग के बारे में आपको नहीं बताया गया था, पहले कुछ नहीं बताया गया।